भारत में कोरोना से जंग के लिए वैक्सीनेशन जारी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई से देश को जल्द ही एक और वैक्सीन के साथ मिल सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के महीने में भारत को जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिल सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत अक्टूबर महीने में जे वैक्सीन की पहली खेप लेने को तैयार है। भारत के साथ साझेदारी में दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी वैक्सीन को भारत में ही अंतिम रूप देगी। सूत्र के मुताबिक भारत को इस सिंगल शॉट वैक्सीन की 43.5 मिलियन डोज अक्टूबर में मिल सकती हैं। हर महीने 300 मिलियन वैक्सीन डोज तैयार करने के भारत के टारगेट को लेकर ये अहम कदम माना जा रहा है। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। अप्रैल में भारत ने वैक्सीन का निर्यात रोक दिया था। एक बार अपनी जरूरत की मानकों को हासिल करने के बाद भारत दोबारा वैक्सीन निर्यात शुरू कर देगा। बायो ई नाम की कंपनी वैक्सीन का फॉर्मुलेशन करेगी और 5 ml की शीशियों में ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। बता दें कि हाल ही में भारतीय ड्रग रेगुलेटर ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। हालांकि भारत सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ सप्लाई डील को लेकर कोई करार फिलहाल नहीं किया है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर समय का अनुमान लगाना अपरिपक्वता होगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।